गाइस, तो यहाँ पे मैंने बनाई है मस्त मटर पनीर की सब्ज़ी, कैसी लग रही है। और लास्ट में गार्निशिंग करनी धनिया के साथ। तो चलिए अभी देखते इसकी रेसिपी कि मैंने ये इतनी यम्मी यम्मी सब्ज़ी किस तरह से बनाई। तो सबसे पहले मैंने डाला कढ़ाई में तेल। तेल गर्म होने के बाद उसमें मैंने डाला जीरा, फिर अदरक लहसुन और मिर्ची क्रश किया हुआ, और ऑनियन डाला एक बारीक कट करके। और अच्छे से ब्राउन होने के बाद, मतलब ऑनियन ब्राउन होने के बाद, उसमें मैंने टोमेटो डाला एक बारीक कट करके। अब इसको अच्छे से हम पकने देंगे, जिससे कि ऑनियन और टोमेटो अच्छे से पक जाएंगे, तो उसकी ग्रेवी जो है वो बहुत टेस्टी बनेगी। तो स्लो गैस पे मैंने अच्छे से दोनों को पकने दिया, मतलब ये जो ग्रेवी बनने वाली इसको पकने दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच दही। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं जो हमारे घर के स्पाइसेस रहते हैं वो डाल रही हूँ। तो लाल मिर्च पाउडर डाली मैंने 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। फिर मिक्स कर लिया। और इसमें अब और मैं डालूँगी किचन किंग मसाला। मैं मोस्ट ऑफ भाजियों में किचन किंग मसाला डालना प्रीफर करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वही डालती हूँ। तो 1 चम्मच किचन किंग मसाला डाला। अब फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी का कलर मस्त लग रहा है ना। अब थोड़ा सा पानी डालकर हमें ये ग्रेवी को पका लेना है पहले। तो यहाँ पे देखिए हमारी ग्रेवी मस्त पक गई है। और मटर मैंने धोकर, मतलब कि छीलकर धोकर रखे थे साइड में, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पहले धनिया डाला, जिससे कि सब्जी के अंदर भी टेस्ट आए इसलिए। तो यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी वो मस्त एकदम अच्छे से उबल रही है। अब इसमें मैं डालूँगी मटर, जो कि मैंने छीलकर और धोकर रखे थे। और मटर थोड़े पकने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला। और मटर पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट में मटर पक गए थे। और फिर इसमें मैं डालूँगी पनीर। तो पनीर मैंने पीस करके रखे थे पहले, और हल्के हाथों से डाल रही थी, क्योंकि वो मतलब टूट ना जाए इस वजह से। और मैंने जानबूझ के बड़े बड़े पीस किए, क्योंकि वो मिक्स करते करते अगर टूट गए तो फिर छोटे छोटे हो गए तो उसका एकदम चूरा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़े बड़े बड़े कट करूँ। तो यहाँ पे हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी बन गई है। आप जो पनीर रहता है ना, वो थोड़ा सा ऑयल में डीप फ्राई करके या फिर शैडो फ्राई करके भी डाल सकते हो, उसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी टेस्ट आती है। बट मैंने ऐसे ही डाल दिए। और मैंने थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ग्रेवी कम है, मतलब थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने एकदम थोड़ा सा पानी डाल के उसको बस बॉईल कर रही हूँ, जिससे कि वो पानी भाजी में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी है। कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ धनिया, जिससे कि वो दिखने में भी और अच्छी दिखे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है। और सब्ज़ी होने के बाद तुरंत मैंने सब्ज़ी हटा के दूसरे गैस पे रख दी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ, तो फटाफट मेरा भी खाना बन जाएगा पूरा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अब भी बज चुके 12:30। सुबह से बस काम 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 किए जा रही हूँ। आज में बने थे सुबह वड़ा पाव और पाव वड़ा। क्या हुआ, हमारा नाश्ता आज हुआ 11 बजे, इस वजह से खाना वगैरह सब लेट हुआ। तो आज है गणेश चतुर्थी, आज गणपति बापा जी आए हैं। तो आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। और हमारे यहाँ पे नीचे भी आ गए गणपति बापा, वो उन्होंने ना कल ही ला के रखा था। सार्वजनिक गणपति ऐसे होता है कि पहले दिन ही ला के रखते, और कल रात को, रात जब आए ना तो रात को उनको आते थे 12:30 बज गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जाम थी कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम थी, इसलिए उनको इतना लेट हो गया। तो फिर हमें सोने में 1:30-2 बज गए कल रात को, क्योंकि आने के बाद खाना खाया। फिर उसके बाद परी उठ गई थोड़ी बहुत, तो परी के साथ खेलने में टाइम गया, तो छोटे छोटे 2 बज गए। फिर उसके बाद वापस परी सुबह 5:30 बजे उठी, तो राज उसको मतलब लेकर आगे सुला रहे थे और खिला रहे थे, तब तक मैं सोई थी 7 बजे तक। तो आज क्या हुआ ना, पिछले 3 रातों से मुझे ना नींद ही नहीं मिल रही है प्रॉपर तरीके से।
कुछ ना कुछ हो रहा है, तो रात को लेट सो रही हूँ या फिर सुबह जल्दी उठ रही हूँ या फिर मेरी आंख नहीं लग रही है, मेरी नींद नहीं पूरी हो रही है। इस वजह से ना सुबह फिर से जब परी 5:30 बजे उठी ना, तो मेरी हालत ही खराब हो गई कि यार अभी उठ गए। फिर आज बोले तुम सो जाओ, मैं उसको लेकर जाता हूँ आगे। और फिर आज आगे लेकर गए उसको, थोड़ी देर तक खेल रही थी, फिर बाद में सुला दिया झूले में, सो गए। फिर 7 बजे वो उठी ना, तब मैं भी उठी। तो फिर इसलिए आज थोड़ी नींद पूरी हुई ऐसा लगा, एकदम शांति की नींद। सुबह जो 1 घंटा 1.5 घंटा मिली ना, वो ऐसा लग रहा था कि शांति वाली नींद है। फिर उठने के बाद कपड़े धोए, फिर उसके बाद चाय के वगैरह बर्तन थे वो धोए, सारी गैलरी राज ने साफ कर दी, फिर घर पोछा मारा, झाड़ू मारा, ये सब करते करते बहुत टाइम हुआ। फिर आज नीचे गए 9:30 बजे, उससे पहले मेरा और परी का नहाना हो चुका था। फिर आज नीचे गए तो रात को नीचे से ऊपर आने के लिए 10:30 11 बज गए। फिर आने के बाद राज नहाने गए, आलू उबॉइल करने के लिए रखे। फिर उसके बाद राज ने वड़ा पाव बनाया, मैंने नहीं बनाया था, राज ने बनाया था, और मैं बस बैठ के परी को खिला रही थी और केले खिला रही थी परी को। तो ऐसे फिर टाइम पास हुआ। फिर उसके बाद नाश्ता होने के बाद फिर परी भी थक गई थी, क्योंकि वो सुबह जो 7 बजे उठी उसके बाद सो नहीं रही थी। एक बार मैंने सुलाने की कोशिश की लेकिन नहीं सोई। फिर खाना नाश्ता वगैरह होने के बाद फिर मैंने आटा लगाया और भाजी की वगैरह तैयारी की। तो आज मैंने बनाए थे मटर पनीर और रोटियां और जीरा राइस, और शाम को सोच रही सिर्फ दाल बनाओ तो हो जाएगा मस्त। तो ऐसा हमारा आज का लंच और डिनर भी होगा। और मीठे में राज बोल रहे थे मैं मोदक लेकर आऊँ क्या, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, तो शायद शाम को राज नीचे गए ना तो लेकर आएंगे। फिर सुबह जब गए थे ना तो उनको ऊपर आने के बाद याद आया, और मोदक मुझे बनाना आता है लेकिन मेरे पास मोदक का साँचा नहीं है। दूसरी बात, मुझे इतने अच्छे से आएंगे कि नहीं पता नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी। तो इस वजह से मतलब मेरी मम्मी यहाँ पे थी तो हम बना लेते, लेकिन कैसे वो मम्मी को देख देख के बनाती थी ना, अगर मेरे से नहीं बना तो मम्मी कर लेती थी, तो वैसे यहाँ पे मुझे आएगा कि नहीं पता नहीं, इसलिए नहीं बना रही। तो बस वही, और अभी मीठा अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो शाम को होगा। और मैं अभी तक नीचे दर्शन लेने भी नहीं गई हूँ, तो शायद शाम को जाऊंगी। और हमारे जो बाजू वाले हैं ना, उनके यहाँ पे भी गणपति बैठते 1.5 दिन का, तो उनका भी आ चुका है, अभी कल उनके विसर्जन भी हो जाएगा तुरंत, तो देखते। पर ये अभी सोई है, मेरा खाना बनाकर हो गया और नाश्ता लेट हुआ, इस वजह से राज बोले कि हम थोड़ी देर के बाद खाना खाते हैं। तो मैंने सारा काम भी कर लिया, मतलब कि बर्तन भी धो लिए, किचन भी साफ कर लिया, और बाल धोए थे तो बांध के रखे थे तो अब भी मैंने खोले। परी भी अभी सो चुकी है, खाना खाना बाकी है सिर्फ, तो वो मैंने सोचा कि तब तक आपसे बात कर लूं। और क्या याद नहीं आ रहा तो काम सब हो चुके हैं। और मैं सोच रही थी वैसे पहले कि मैं ये बनाऊं मीठे में खीर या बासुंदी सब कुछ बनाओ, फिर आज बोले कि मैं नीचे से लेके आता हूँ, तो देखते हैं, नहीं तो फिर शाम को हम ही कुछ बनाएंगे। मोदक का साँचा तो नहीं है, तो हाथ से इतने अच्छे से बनेंगे कि नहीं पता नहीं, इस वजह से। और शाम को मुझे नीचे भी जाना है दर्शन लेने के लिए, और बाजू में भी जाके आऊँगी अगर उनका दरवाजा वगैरह ओपन रहा तो। मतलब मैं ऐसे, मुझे ना आदत नहीं ज़्यादा जाके बैठने की वगैरह, तो मैं इतनी ज़्यादा जाती नहीं हूँ, लेकिन गणपति आए तो दर्शन लेना बनता है। फिर वो हम उनको जानते हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं होता है, जहाँ पे भगवान है उनके दर्शन लेना चाहिए, इस वजह से मैं जाऊंगी फिर। और अभी पता नहीं, तो परी सोई है तो मैं अभी जाके थोड़ा बैठती हूँ, राज को पूछती हूँ अभी खाना खाने के बाद में, और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। मटर पनीर मुंबई आने के बाद मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। हम ज़्यादा नहीं खाते पनीर की रेसिपीज, मतलब कि नहीं खाते, पता नहीं क्यों पता नहीं, तो इसलिए बहुत टाइम के बाद बनाया। मुझे लगता है मैंने थाईलैंड में थी तब एक टाइम आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, और उसके बाद फिर से कभी बनाया नहीं, फिर से आज ही बना। पनीर पराठे वगैरह बने थे बीच में एक दो बार, लेकिन मटर पनीर नहीं बने थे। और कितने महंगे हो गए बाप रे, मटर और पनीर दोनों भी, मटर कितना 40 रुपए पाव था, 80 रुपए का आधा किलो राज लेकर आए, कितना महंगा है बाप रे बाप। मैं बोला बाप रे, मतलब कि आपको अगर एक टाइम भाजी खानी हो ना तो आपको 100 रुपए सिर्फ भाजी के लिए जाते, इतनी महंगाई हो गई अभी ये लॉकडाउन के चक्कर में, बहुत महंगाई हो। तो चलिए मैं अभी जो काम बाकी वो करती हूँ, खाना खाना दो करती हूँ, और राज को भी लैपटॉप पे थोड़ा सा काम है तो उनको करना है, तो मैं तो अगर खाना नहीं खाना तो उनको बोलता आप अपना काम कर लो, मैं तब तक आगे बैठती हूँ थोड़ा परी के पास।
और मैं भी थक गई तो थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद आती हूँ।